अभी कुछ ही दिनों पहले जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जो है एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, जिसमें जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट यानी जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाए गए हैं, तो अभी जो है एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, जिसमें जो है आप इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि JOAIT के अभ्यर्थी जो है BPL की सूची से बाहर हो चुके हैं, क्या उनको जो है फिर से चांस मिलेगा BPL, जो कि 5 साल पहले अगर वो BPL थे, उन्होंने BPL जो ऑप्शन रहता था कि हम BPL में हैं, जब भी वो फॉर्म भर रहे थे ऑनलाइन तो वहाँ पर उन्होंने टिक किया है, और उसके बाद जो है अभी डॉक्यूमेंटेशन में वो अपना BPL का सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनके जो सर्टिफिकेट हैं उनको मान्यता मिलेगी, इस वीडियो में हम बात करेंगे, और कितने चांसेस हैं उनको जो है फिर से BPL में डालकर जो है उनको जो है कंसीडर कर दिया जाएगा, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो पूरी चर्चा हम इस वीडियो में, JOAIT के अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। और एक बात आप सभी को बता दूं तो हमारे चैनल पर जो है इसका भी अपडेट दे दिया गया था कि 10th का जो टॉपर है, स्कूल जो है नदौन जो कि हमीरपुर में है, नदौन की रिधिमा शर्मा जो है उनको उनके 99.86% जो है अंक जो है इसमें आए हैं, 99.86 अंक। 10th में जो है ये टॉपर है हिमाचल प्रदेश में, और प्लस टू का रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है टॉपर के कुछ अच्छे मार्क्स नहीं हैं, बट अगर देखा जाए तो 10th के जो मार्क्स अगर बात की जाए तो अविश्वसनीय है। तो अभी जो है हम JOAIT के बारे में पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले जय श्री राम दोस्तों, HP के अलर्ट्स जो चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर जितनी भी जॉब से रिलेटेड जानकारी होती है उसके ऊपर जो है चर्चा की जाती है, और उसके ऊपर और जितनी भी आने वाली भर्तियाँ होती है उनकी जानकारी जो है आपको हमारे चैनल के थ्रू दे दी जाती है। तो दोस्तों अभी बात करने वाले हैं हम 817 की जो भर्ती है यानी JOAIT की, ये जो भर्ती है 5 साल पहले आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2019 में ये भर्ती आई थी, तो उस दौरान जो है बहुत सारे लोगों ने जो है जैसे कि आपका ऑनलाइन आवेदन होता है वेबसाइट पे, आपकी आईडी बनाई जाती है, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ चीज़ें होती है फिलफुल करने के लिए होती है, तो वही जो आपका जो है पूरी तरह से जो भी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वही जो है आपकी राज्य चयन आयोग को जो है गई है, यानी जो प्रीवियस डाटा था वही गया है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को जो अपडेट किया गया था। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन में वो देखना, वेरिफिकेशन इसलिए की जाती है क्योंकि जो डाटा उन्होंने फिलफुल किया है उस वेबसाइट में क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात करें BPL की श्रेणी में आने की, तो उस टाइम पर अगर कोई भी अभ्यर्थी, देखिए इसके लिए मैं पूरी तरह से कंठस्थ हूँ और मैं आप सभी को बता दूँ कि देखिए अगर आपने उस टाइम अगर आप BPL की श्रेणी में हैं तो आप वो सर्टिफिकेट जो है उसको रेफरेंस रख के आप बता सकते हैं कि उस टाइम मैं BPL में था तो मेरी ये जो सीट है वो मान्य जो है होनी चाहिए। अब आपकी जो अभी रिज़ल्ट आने की देरी हुई और डॉक्यूमेंटेशन के आने के लिए देरी हुई उस पे जो है हमारा हाथ नहीं है, तो जो लेट हुआ रिज़ल्ट तो उसकी वजह से जो है BPL श्रेणी से जो अभ्यर्थी यानी जितने भी एस्पिरेंट हैं वो जो हैं BPL श्रेणी से बाहर आ गए, तो उन्होंने तो भरा था तो उसके अकॉर्डिंग वो जब ये वैकेंसी आई थी, ये तो वही बात होगी, जब वैकेंसी आई थी तब वो BPL की श्रेणी में थे तो हाँ वो जो वैकेंसी है वो मान्य होगी BPL में, ये एक तरह से एक पूरी तरह से स्पष्टीकरण है। आपको पूरी तरह से जो जितना भी डॉक्यूमेंट में अगर रियलिटी में बात की जाए तो ये जो है परिणाम जो है JOAIT के BPL के जो अभ्यर्थी हैं उनके फेवर में ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी भर्ती आप सभी को पता होगा कि उस टाइम पर निकली थी तो उसी के अकॉर्डिंग ही उनके पास अगर सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि हर बार जो है जब डॉक्यूमेंटेशन होती है उस टाइम पर जो है सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वहां पर भी थोड़ा सा कंसर्निंग देखने को ये मिलता है कि जो पुराना सर्टिफिकेट है BPL का और अभी करंट का जो सर्टिफिकेट है BPL का, तो
वो जो है उनके पास है या नहीं है तो उसकी वेरिफिकेशन जो है वहाँ पर की जाती है। अब अगला जो सर्टिफिकेट है उनका VPL का नहीं बनेगा, प्रीवियस का सर्टिफिकेट है वो जो है वहाँ लेके जा सकते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो राज्य चयन आयोग में जो है BOD में रखा गया है इस मामले को, तो वहाँ पर इस बारे में जो है और सही से चर्चा होगी। अगर बात किया जाए राज्य चयन आयोग में प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सांस्टा का यह कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान श्रेणी संबंधित नए दस्तावेजों को जो है दर्शना होता है दिखाना होता है, यानी फिर भी ऐसे अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए इस मामले पर आयोग की BOD में रखा जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इससे हो सकता है आपका थोड़ा सा टाइम लगे, बट उन अभ्यर्थियों को जो है थोड़ा सा इस श्रेणी में रखा जाएगा जो कि BPL में हैं। तो अगर वो उससे क्या डिसीज़न आता है उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल के थ्रू दे दी जाएगी, बट अभी चिंता करने की उतनी बात नहीं है। आपका रिज़ल्ट जो है अभी कहीं भी फंसने वाला नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे 2015 से, तो उनका रिज़ल्ट जो है जल्द ही राज्य चयन आयोग निकालेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिससे जो है आपका रिज़ल्ट जो है अटका रहेगा। अब जिनका अनरिजर्व्ड है और जो जिनका OBC है, यानी OBC BPL SC BPL जो भी आपका कैटेगरी वाइज BPL के सर्टिफिकेट हैं, तो वो जो है आगे तो रिजॉल्व हो चुका है EWS से, बट जो प्रीवियस का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग BPL की श्रेणी में आने वाले लोग जितने भी हैं उनको किस तरह से जो है कंसीडर ये राज्य चयन आयोग करेगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम जो है इसमें लग सकता है, क्योंकि इसमें जो है भविष्य में को देखते हुए जो है आपकी जो मीटिंग बुलाई जाएगी जो BOD में रखे जाएंगे ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिज़ल्ट जो है जल्द ही आएगा। और ये जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं ये आपका जो है जो आपके इलेक्शन है उससे पहले भी आ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज़रूर से जुड़ें, वहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाती है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, धन्यवाद दोस्तों।